सोलन में 25 तारीख से 18वीं नेशनल लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि 18वीं नेशनल लॉन टेनिस प्रतियोगिता सोलन में आयोजित होगी, जिसमें उच्च अधिकारियों समेत डीजीपी स्तर के अधिकारी भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से जहां एक और खेल प्रतिभा का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन होगा, वहीं सोलन के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में पुलिस के 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे, जिससे खेल में रोमांच बना रहेगा और दर्शकों का खेल देखने में आनंद भी आएगा। 18th ऑल इंडिया लॉन टेनिस टूर्नामेंट जो नेशनल लेवल इवेंट है हमारे यहाँ सोलन जिला में 25 से लेकर 28 तक हो रही है। इसमें तकरीबन 120 पार्टिसिपेंट्स आएंगे। ऑल ओवर इंडिया पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ITBP, CRPF इत्यादि, उनके पार्टिसिपेंट्स आएंगे। सीनियर अधिकारी रहेंगे, इवन कुछ DGP रैंक स्तर के अधिकारी भी रहेंगे। इसमें 2 खिलाड़ी हैं जो ऑल इंडिया के बाद उन्होंने इंटरनेशनल गेम्स में, वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भी गोल्ड जीता है, वो भी अट्रैक्शन रहेंगे। और क्योंकि खिलाड़ी ऑल इंडिया लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो एक स्तर गेम का बहुत हाई रहेगा, तो लोगों को विटनेस करने में अच्छा रहेगा। कि ये बहुत गर्व की बात है कि पहली बार, ये 18वीं गेम है, पिछले 18 या 20 सालों में पहली बार ऐसा मौका है कि हिमाचल को ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने में एक नेशनल स्तर के ऑर्गेनाइजेशन में हमें मिला है। बहुत सारा फ्लो ऑफ ऑफिसर्स आएंगे, टूरिज्म अट्रैक्शन रहता है और एक अपने आप में गर्व रहता है कि एक नेशनल इवेंट हिमाचल पुलिस ने, हिमाचल स्टेट ने ऑर्गेनाइज की है। आपको बता दें कि हिमाचल को इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी करने का पहली बार मौका मिला है, जिसमें आला पुलिस प्रशासन जमकर तैयारियों में जुटा हुआ है। सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।